चार पांच बाकी आप इसको जब देखेंगे नेता गौरव कुमार की एक और फिल्म का पोस्टर हुआ लॉन्च। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत श्री राजू दास ने किया पोस्टर लॉन्च। प्लेक्स सिने एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और संजय राय प्रस्तुत हिंदी फिल्म संदेह के टीचर और पोस्टर का लोकार्पण किया गया। फिल्म यूनिट की ओर से प्रोड्यूसर श्री प्रदीप श्रीवास्तव, डायरेक्टर अयाज खान जी, प्रोडक्शन हेड भास्कर शुक्ला जी, लेखिका श्वेता श्रीवास्तव मौजूद रहे। साथ ही कलाकार रोहित श्रीवास्तव, स्टार कास्ट गौरव कुमार इस मुख्य विलन का रोल अदा कर रहे हैं। इसमें पहले से गौरव कुमार ने बहुत सी फिल्मों में काम किए हैं। बॉलीवुड की ओर से साउथ जैसे शूट आउट, इटावा सफारी, सीतापुर सिटी, आप गैंगस्टर, रायबरेली, अनाथे, नाच बस्ती नाच, प्यारे कुल्लड़ में लोहे बनवाने वाले अभिनेता गौरव कुमार बॉलीवुड के जाने माने नाम बन चुके हैं। रायबरेली के रहने वाले रायबरेली के सन अभिनेता गौरव कुमार और भी बहुत से फिल्मों में काम कर रहे हैं। उनका ऋतिक जी और बाल कलाकार तनिष्का अर्थों की मौजूदगी में पोस्टर विमोचन संपन्न हुआ। प्रोड्यूसर श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी के अनुसार फिल्म की आज स्थिति में दर्शाते हुए युवाओं का संदेश देने का विषय में परिस्थिति में धैर्य खोने और संदेश देती है। फिल्म समाज की आईना है। इस वक्त हमारे साथ अभिनेता गौरव कुमार जुड़ गए हैं। योगी जी, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी लाने के जो प्रयास कर रहे हैं फिल्मी जगत से वार्ता करके, आप देखेंगे लगातार बायकॉट कि ये पिक्चर नहीं चलेगी, वो पिक्चर नहीं चलेगी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि टारगेट करके, हिंदू मुसलमान करके, हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर, नग्नता परोस कर, उल्टी सीधी बात करके, इसके नाते जो सनातन को मानने वाले थे बायकॉट करते थे। मुझको लगा एक संदेह, इन लोगों ने एक मूवी बनाई है, पिक्चर बनाई है, जिसमें इन्होंने दर्शाया है कि जो भटकते हुए नौजवान हैं वो नौजवान कैसे परिवार से तालमेल बनाए, माता पिता किस प्रकार से बच्चों को प्यार दे सकें, बच्चों से जुड़ सकें, बच्चे के जो मन में भाव है, जो संदेह है, उसको किस प्रकार से दूर की जा सके, इस पिक्चर के माध्यम से मुझको लगता है कि बिल्कुल। सबसे पहले मैं माननीय योगी जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने फिल्म सिटी का इतना अच्छा शुरू किया। इससे यूपी के कलाकारों को बहुत मौका मिलेगा। जब फिल्म सिटी बन जाएगी तो मुंबई जाने की भी ज़रूरत नहीं बनेगी। अब अपनी फिल्म के विषय में आते हैं। इसके प्रोड्यूसर हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं और डायरेक्टर अयाज खान जी हैं और श्वेता जी इसकी राइटर है। बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। और संदेह की बात ये थी, आजकल के युवा जो पीढ़ी है, नए जो युवा हैं, वो आजकल भटक रहे हैं, तो उसको दर्शाने उसको सीधा मतलब एक संदेश बहुत अच्छा है इस फिल्म में। और संदेह है, संदेह नाम ही ऐसा है कि संदेह पे संदेह रहेगा। कुछ ज़्यादा कुछ तो अभी स्क्रिप्ट के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, पर आप लोग फिल्म ज़रूर देखिएगा। और हम लोग इसका टीज़र भी लॉन्च कर रहे हैं, ये शाम को 5 बजे लगभग टीज़र हम लोग को यूट्यूब पर आ जाएगा। पोस्टर लॉन्च कर दिया है। हिंदी फिल्म संदेश का टीज़र और पोस्टर लॉन्चिंग हो गया है। इस वक्त हमारे साथ अभिनेता गौरव कुमार जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस मूवी के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ गौरव जी, अभी ये पोस्टर लॉन्च हुआ है, कब तक मूवी इसका आएगा? जी, मूवी अप्रैल तक की प्लानिंग है प्रोड्यूसर साहब के। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला अप्रैल की, अभी डेट थोड़ी सी फाइनल नहीं हुई, पर अप्रैल महीने में जी लॉन्च होने वाली है, सिनेमा हॉल पे लॉन्च होगी। अच्छा गौरव जी, ये किस तरीके से मूवी है, आप लोगों ने शूट किया है और ये लॉन्च होने वाला है? ये संदेह मूवी हमारी है, सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। और आजकल के यंग जो लोग हैं, जैसे कॉलेज के लोग हैं, मतलब बच्चे हैं, उनके ऊपर की कहानी है ये जी। और कैसे माँ बाप की बात नहीं मानते, भटक जाते हैं, तो उस चीजों को हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा सा संदेश जाए इस मूवी को। गौरव जी, आपने अभी पोस्टर लॉन्चिंग किया, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी के द्वारा किया गया है, क्या ऐसा है, क्या ये हिंदुत्व पे मूवी बनी है जो राजू महंत के द्वारा पोस्टर लॉन्चिंग कराना पड़ा, क्या इसका क्या विजन है, क्या कारण हो सकता है?
नहीं, सबसे पहले तो बात ये हिंदुत्व पे तो नहीं जुड़ी हुई है मूवी, पर बात यह है कि कोई भी काम हम हिंदुत्व में, हम लोग हिंदू में जी जी अगर अच्छा काम शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं जी जी। तो ये पहली, ये शुरुआत पहली थी फिल्म की, मतलब पहला भारतीय पहला पोस्टर लॉन्च हो रहा था, तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि हनुमानगढ़ी महाराज जी, बालाजी महाराज के दर्शन के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी मिले। और महंत जी से मेरा बहुत लगाव रहता है हमेशा जी, महंत जी का जितना आशीर्वाद मिल जाए। अभी मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी आशीर्वाद लेके आया था, उनसे भी मुलाकात हुई, अभी उनका भी आशीर्वाद लिया, बागेश्वर धाम गया जी, था जी। और बालाजी महाराज अक्सर जाया करता हूँ, तो जितने संत लोग का आशीर्वाद हम लोग को मिल जाए वो बहुत अच्छा रहेगा जी जी। तो ये मानना था और इसलिए हम लोग ने आशीर्वाद उनका लिया और बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया, इसलिए उनके द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया जी जी जी। गौरव ये बताइए कि इस मूवी में जो संदेह मूवी है, इस मूवी में प्रोड्यूसर डायरेक्टर और इसमें जो किरदार हैं जी किए हुए, इसमें हीरोइन ये अभी नए लॉन्चिंग है या पहले उन लोग काम कर चुके हैं? प्रोड्यूसर हैं हमारे प्रदीप श्रीवास्तव जी जो कि सीतापुर के रहने वाले हैं यूपी से जी, और संजय राय जी प्रेजेंस मूवी है और श्वेता जी ने इसकी राइट किया है, इन्होंने बहुत अच्छी से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसके डायरेक्टर हैं अयाज खान जी। अच्छा जी हाँ। और एक्टर की बात करें तो इसमें एक्टर बहुत से हैं और अच्छे खासे मुंबई के रहने वाले भी हैं, जैसे की हीरोइन भी है रिया करके है, वो मुंबई में यूपी से है पर मुंबई में रहती है जी। मैं हूँ, मेरी भी अक्सर अभी कम से कम 6-7 फिल्में आ चुकी है। हाँ। और पुलकित करके लड़का है वो भी मुंबई में रहता है वो है, तो इस तरह के बहुत से एक्टर हैं, मतलब अच्छा मतलब। गौरव जी ये इस जो मूवी की शूट हुई है, इस मूवी की शूट कहाँ कहाँ हुई है, किन किन जिलों में हुई है, जो ग्राउंड जीरो से लोग देख सके कि नहीं ये मूवी आ रही है, अगर गौरव जी कर रहे हैं तो ये हमारे जिले की मूवी शूटिंग हुई है, कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई है? इसकी शूटिंग हम लोग ने लखनऊ में की जी, मलिहाबाद के पास की, और ये चंडिका देवी मंदिर पड़ता है लखनऊ के पास ही है, उस साइड भी की यहाँ पे, और इसके नैनीताल में भी शूट हुआ, गाने शूट किए और मेन सिटी में भी लखनऊ में शूट किया जी। तो ये तो ये अभी आप लोगों ने पोस्टर लॉन्चिंग किया है, ये मूवी लॉन्चिंग होगी, आप युवाओं को अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं समाचार भारत के तरफ से? जी हम बिल्कुल ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारी फिल्म में जो निगेटिव चीज है उसको आप ना लें। हाँ। दर्शकों से यही गुजारिश रहेगी कि उससे सीख लें जी, उसको रियल लाइफ में अपनाए नहीं, अच्छी चीज जरूर अपनाए जी, तो ये चीज जरूर कहना चाहूंगा। और अभी हमारी रिसेंटली रायबरेली फिल्म आई हुई थी और दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार मिला जी, वो सिनेमा हॉल पे रिलीज हुई थी 11 नवंबर को जी। हाँ, तो वो बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पे भी आने वाली, तो दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि रायबरेली फिल्म भी जरूर देखें, उसका ट्रेलर है YouTube पे वो जरूर देखें। अच्छा। ट्रेलर जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और मैं चाहता हूँ कि गौरव जी का ये जो मूवी आ रही है संदेह, इस मूवी को बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लें, क्योंकि ये एक सस्पेंस मूवी है जो यूथ के लिए सबसे बड़ी एक सीख की बात है, और इनका साफ कहना है कि जो इस मूवी में निगेटिव है उस चीज को ना ले, चाहे यूथ हो या समाज के लोग हो। दर्शकों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा।